साल 1998 में हिंदुस्तान में जिन भी घरों में टीवी था वह समय ये आवाज जरूर गूंजती थी जो महाभारत के वर्तमान में चार चांद लगाया करती थी। महाभारत के किरदार निभाने वाले एक्ट्रेस भी रातों रात स्टार बन गए थे। मुकेश खन्ना से लेकर नीतीश भारद्वाज तक सभी को शोहरत का खास मौका मिला। महाभारत को आज 35 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। इस लंबे दौर में कृष्णा और करण जैसे कलाकारों को पर्दे पर जीवित करने वाले अभिनेता का होलिया भी बदल गया है। द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली को आज पहचानना भी मुश्किल है। सिनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं महाभारत के पांच ऐसे एक्टर जिनका रूप पूरी तरह से बदल गया है। महाभारत में सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार है कर्ण का। वी आर चोपड़ा के महाभारत में कर्ण का किरदार पंकज धीर ने निभाया था। पंकज धीर महाभारत से पहले कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। पंकज ने 1980 में फिल्म 12 से अपनी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन महाभारत में उन्होंने पूरे देश में एक खास मुकाम दिया है। पंकज धीर का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल गया है। रूपा गांगुली ने महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था। रूपा गांगुली का इस किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। पर्दे पर एक सती और बेहद सुंदर नजर आने वाली एक्ट्रेस रूपा गांगुली का काफी लुक बदल गया है। वी आर चोपड़ा के महाभारत में अभिमन्यु का किरदार मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट मयूर राज वर्मा ने निभाया था। मयूर इससे पहले भी कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन के फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में मयूर ने उनके बचपन का किरदार निभाया था। महाभारत में नजर आए अभिमन्यु का असल लुक देखकर आज भी लोग धोखा खा जाते हैं। हालांकि मयूर ने अब एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया है। महाभारत में एक और सबसे पसंदीदा किरदार भीष्म का था। गंगा पुत्र भीष्म की किरदार को मुकेश खन्ना ने पर्दे पर काफी कमाल का उतारा था। अपनी यंग एज में भी मुकेश खन्ना बूढ़े पिता के रोल में जान फेंकते हैं। मुकेश खन्ना का लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है। मुकेश खन्ना अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत ईसर का करियर भी इस सीरियल के बाद टेक ऑफ कर गया। पुनीत रातों रात स्टार बन गए थे। पुनीत ने अपने करियर में ऐसे जान फूंक दिए थे कि असल जिंदगी में कुछ लोग उन्हें विलन मानते रहे। पुनीत ने महाभारत के बाद कई धार्मिक टीवी सीरियल में काम किया। वैसे महाभारत में आपको सबसे ज्यादा किरदार किसका अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरा चैनल सिनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।